हेलो दोस्तों, भारत के पहले इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को एक बार फिर समुद्र में सी ट्रायल्स के लिए उतारा गया है। विक्रांत को 2022 की लास्ट तक इंडियन नेवी में शामिल किया जाना है। ऐसे में इंडियन नेवी अब गहरे समुद्र में हार्ड सी ट्रायल्स कर रही है। 40,000 टन वजन वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अगस्त 2020 में इंडियन नेवी ने 5 दिनों के लिए पहली बार समुद्र में उतारा था। विक्रांत विभिन्न परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है और सभी प्रकार के सेंसर और रडार का भी परीक्षण किया जाएगा। इसका निर्माण लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस कैरियर में लगभग 2300 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के लिए तैयार किया गया है। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारत के पास प्रेजेंट में केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य। हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए और चीन के बढ़ते प्रयास को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी सभी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।